नमस्कार, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं पेनाज और सबसे पहले बात उस प्रदेश की जो सत्ता की कुंजी कहा जाता है, यूपी, जहां उपचुनाव होने लेकिन यहां इतिहास बदलने की जिम्मेदारी योगी ने अपने कंधों पर ले ली। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, आज 8वीं सीट पर भी योगी ने कवर कर लिया, यानी कि एक के बाद एक वो हर सीट पर जा रहे हैं। फुल कंट्रोल है क्योंकि वो इस बार 100% रिजल्ट चाहते हैं। वो जो लोकसभा चुनाव में हुआ उसे भुलाकर सक्सेस की एक नई इबारत लिखना चाहते हैं। 8वीं सीट है, टफ सीट है, सबसे ज्यादा टफ सीट है, इसलिए योगी यहां 7 दिन में दूसरी बार आए। ये सीट है मैनपुरी की करहल सीट। इस पर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, उनकी पिच है। करहल सीट बीजेपी कभी नहीं जीती। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। 1993 से लेकर 2022 तक 7 चुनावों में समाजवादी पार्टी लगातार यहां से जीतती आई है, लेकिन इस बार योगी ने मोर्चा संभाला है और जीत आसान नहीं होगी। योगी के टारगेट पर करहल है और इसीलिए आज योगी ने करहल में एक आइलैंड का जिक्र किया। योगी ने कहा कि उनको यूपी की चिंता नहीं, खुद की चिंता है। इनको जब लगा कि अब यूपी इनके लिए सेफ नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में भाई आइलैंड खरीदने लगे। योगी ने शिवपाल पर हमला बोला, कहा कि चाचा की नियत है हमेशा खट्टा खाकर वहीं पड़े रहे। मैनपुरी की चिंता नहीं थी इनको, इटावा की चिंता नहीं थी इनको, स्वयं की चिंता थी इनको, प्रदेश की चिंता नहीं थी क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद ले होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। तो योगी बार बार जनता को समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा दिखा रहे हैं क्योंकि योगी करहल की हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं। आज करहल में योगी ने कहा, नौकरी मिल रही है आज, लेकिन पहले हर नौकरी बिकती थी, चाचा भतीजा समान भागीदार हुआ करते थे। पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती, और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट बची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। तो सवाल ये कि भाई जो पिछले 3 दशक में नहीं हुआ उसको आखिर योगी कैसे बदलेंगे, करहल में कैसे भगवा खेलेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको वहां के समीकरणों को समझना होगा। पिछले करहल में भगवा क्यों नहीं लहराया पिछले इतने दशकों में, इसकी भी वजह है। दरअसल करहल में समाजवादी का विनिंग फैक्टर होता है MY समीकरण, यादव और मुस्लिम वोट। करहल में 1,30,000 यादव वोट है, 25,000 मुस्लिम, 50% यादव वोट के पास यहां जीत की चाबी होती है।
अखिलेश की राजनीति MY की रही है और इसको जोड़कर वो हमेशा जीत के लिए राह बनाते रहे हैं। मिल्कीपुर कांड के बाद PDA वाला इक्वेशन लेकिन बिगड़ रहा है और यही चिंता के विषय भी है। योगी जाति को जोड़ने वाले फॉर्मूले पर चल निकले हैं। अगर जातियां जुड़ती हैं तो करहल में समाजवादी पार्टी के फिक्स 1,45,000 वोट के सामने योगी के पास 1,87,000 वोट का एक वोट बैंक बन जाएगा। वो कैसे बनेगा जरा ये भी समझिए। डेटा के हिसाब से करहल में 50,000 शाक्य हैं, 30,000 ठाकुर हैं, 30,000 पाल और बघेल हैं, 22,000 SC हैं, 20,000 लोधी हैं, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 बनिया वोटर मौजूद हैं। अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि पूरा का पूरा यादव और मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश के खाते में जाएगा तो दूसरी ओर इन तमाम जातियों का जोड़ जो है वो बैठता है 1,87,000 वोट। योगी के लिए यही इन तमाम वोटर्स को जोड़ के रखना विनिंग फैक्टर साबित हो सकता है। करहल में अखिलेश MY समीकरण जोड़ रहे हैं लेकिन योगी अखिलेश के इक्वेशन से Y को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। करहल में योगी ने आज कहा कि मथुरा वृंदावन में विकास हो रहा है लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर रोक लगा दी थी। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का भी निर्माण हो गया है। अब इसमें कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या अयोध्या के मामले में, काशी के मामले में कोई संदेह है क्या? और मथुरा वृंदावन में भी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, विकास के कार्य नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये तो जन्माष्टमी के अवसर पर इन्होंने भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी थी, नहीं मनने दी थी, क्योंकि जन्माष्टमी में परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इस उद्घोष से कुछ लोगों को परेशानी होती थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके नेताओं ने बैन कर दिया था। जब मैं आया था 2017 में सरकार में आया तो बहनों और भाइयों मैंने कहा भी जन्माष्टमी में क्या आयोजन होता है? लोगों ने कहा कोई आयोजन नहीं होता है। अरे हमने कहा एक ही तो आयोजन है जो जेल में थानों में और पुलिस लाइन में होता है, इसको धूम धड़ाके के साथ इस आयोजन को आयोजित करो जिससे भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चल करके समाज सज्जनों की रक्षा कर सकेगा और दुर्जनों से कायदे से निपटने का काम भी कर सकेगा। करहल में योगी ने मिल्कीपुर कन्नौज के नवाब ब्रांड और गोमती नगर का कांड याद दिलाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका मॉडल विकास का नहीं लूट का रहा है। जो कभी VVIP जनपद माना जाता था लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया? मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है, फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागिरी इनके DNA का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता तो इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है।
करहल में अखिलेश यादव का मुस्लिम प्लस यादव इक्वेशन एकदम सटीक बैठता है। जिस विधानसभा में 50% यादव आबादी है वहां का चुनावी मुकाबला कैसा होता है देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 2022 में अखिलेश यादव को करहल में 1,48,196 वोट यानी 60.6% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के SP बघेल थे जिन्हें 80,692 वोट मिले थे यानी 33%। बहुजन समाज पार्टी के कुलदीप नारायण को 15,701 वोट मिले थे मतलब सिर्फ 6.4% वोट मिला। करहल में बीजेपी फाइट में है लेकिन जीत हार का मार्जिन बहुत बड़ा है। उपचुनाव वाली 10 सीटों में योगी 8 पर पहुंच चुके हैं। 17 अगस्त के अंबेडकर नगर की कठेरी सीट, 18 अगस्त को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, 23 अगस्त को गाजियाबाद सदर सीट, 27 अगस्त को मैनपुरी की करहल सीट, 28 अगस्त को अलीगढ़ की खैर सीट, 29 अगस्त को कानपुर की सीसामऊ सीट, 2 सितंबर को मुरादाबाद की कुंदर की सीट और आज दूसरी बार करहल में योगी पहुंचे हैं। योगी 8 सीट कवर कर चुके हैं, अखिलेश एक भी सीट पर नहीं गए हैं। अखिलेश बैठे बैठे पूरा उपचुनाव जाति के नाम पर लड़ना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जातियों पर है। आज तो प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज तो प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज तो प्रदेश में किसी बेटी का अपहरण नहीं होता, आज तो प्रदेश में किसी किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता है, आज तो किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है, आज तो बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो उसे मालूम है ये उसके इस दुस्साहस की क्या कीमत उसे चुकानी है, और साथ साथ चुकानी ही नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियां फिर कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा, नहीं करेगा, इस प्रकार की एक सबक भरी कार्रवाई सरकार के स्तर पर होती है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, अन्नदाता किसान को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो या नौजवान के हाथ को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये सभी आज मजबूती के साथ चल रहा है। और इसीलिए तो जब 25 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी बोलता है तो 25 करोड़ की आवाज एक साथ जब आगे बढ़ती है तो बहनों और भाइयों ये 25 करोड़ की आवाज उत्तर प्रदेश को अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करता है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम है। विधानसभा में ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पेश कर दिया। बीजेपी ने बिल का समर्थन किया है लेकिन कई सवाल भी उठाए हैं। उधर संदीप घोष को CBI गिरफ्तार कर चुकी है, देखना है वो क्या क्या राज खोलता है। इस बीच पुलिस कमिश्नर का अगला नंबर आ सकता है। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, कमिश्नर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। ममता बनर्जी एंटी रेप बिल ला रही है, डॉक्टर बेटी को देर से ही से इंसाफ देने की बात कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता डॉक्टर्स को कसाई करार दे रहे हैं, टीएमसी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं एंटी रेप बिल की। बीजेपी ने बिल का समर्थन कर दिया लेकिन सुवेंदु अधिकारी ने बिल लाने में जल्दबाजी पर सवाल उठाए। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम फौरन इस बिल पर एग्जीक्यूशन चाहते हैं, हम पूरा समर्थन दे रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। ममता सरकार के इस एंटी रेप बिल में क्या है यह भी समझिए। पहला प्रावधान दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा देने का है। दूसरा प्रावधान दोषी पर भारी जुर्माना लगाने का है। तीसरा प्रावधान रेप के दोषी को अंतिम सांस तक उम्र कैद का है। चौथा प्रावधान दोषी की मदद करने वाले को 3 से 5 साल तक सजा देने का है। আপনারা এই বিলটা তাড়াহুড়া করে এনেছেন কেন? আমরা চাইলে বলতে পারতাম। ল অ্যান্ড জুডিশিয়ারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গেছে কিনা আমরা চাইলে বলতে পারতাম। পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর অ্যান্ড প্র্যাকটিস অনুযায়ী সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান, কিন্তু না, আমরা বলছি না। উই ওয়ান্ট এক্সিকিউশন অফ দিস ল ইমিডিয়েটলি। দায়িত্ব আপনাদের, এই হাউস আরো 1.5 বছর থাকবে, আমরা উই ওয়ান্ট রেজাল্ট, রেসপন্সিবিলিটি গোজ টু গভর্নমেন্ট,
আমরা একটাও ভোটাভুটি চাইব না, আমরা ডিভিশন চাইব না, ফুল সাপোর্ট। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সুন্দর করে শুনব, উনি যা মনে আসেন বলবেন, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল। इस बिल पर ममता बनर्जी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी मां बहन लड़ाई कर रही हैं, इसलिए यह बिल लाया गया है। नारी सुरक्षार स्वार्थे आमादेर मां बोनेरा भाईरा जी लड़ाई करछेन, सिविक सोसाइटी थेके शुरू करे छात्र छात्रीरा। आमी सबाई आमार लाइने आसते अनेक टाइम लागबे, आपनार ट्रेनटा बेलाइन हो गेछे ओटा सामलान आगे। आमी आपनादेर बोली, আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, এটা অভিনন্দন নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিতর পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না, যে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে তার জন্য আমি শোক জ্ঞাপন করছি। আমরাও এখন উই ওয়ান জাস্টিস ফ্রম সিবিআই, বিচার চাই, বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। আমি প্রথম থেকেই বলি, আমরা কিন্তু ফাঁসি চেয়েছি প্রথম থেকে। কেন চেয়েছি? আজকে যারা, আমি আইনের কথায় পড়ে আসছি, বিরোধী দলনেতা কতকগুলো কথা বললেন, রুলসে পরিণত করার দায়িত্ব কার্যকর হবে কি? গভর্নরকে, মাননীয় গভর্নরকে বলুন এটাকে সই করে দিতে বিলটা, তারপরে যদি কার্যকর না হয় তার দায়িত্ব আমাদের, তার দায়িত্ব আমাদের। দেখবেন এই নতুন বিলের তাৎপর্য তিনটি, তাৎপর্যটা বুঝুন। এক নম্বর বর্ধিত শাস্তি, দু নম্বর দ্রুত তদন্ত, তিন নম্বর দ্রুত ন্যায় বিচার। दिल्ली की एंटी रेप बिल लेकर आई थी, लेकिन विधानसभा में गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगी दीदी। सुनिए दीदी ने क्या कुछ कहा। आगे का दिन तैयारी हुए थे मेडिकल कॉलेज गुलो, किचु डॉक्टर किचु नार्सर जाओर जुन्नो, जे रास्ता गुलो आछे गाछे ढाका बा अनेक टा खाली, एगुलो आमरा करिनी अनेक दिन, दीर्घ दिन आगे कार। किन्तु आमी अलरेडी हेल्थ सेक्रेटरी के डेके बोलेछि, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के, প্রত্যেকটা রাস্তা তোমরা চেষ্টা করো কভার করার, কভার আপ করার, যেখান দিয়ে নার্স মহিলা ডাক্তাররা যাতায়াত করে বা অন্য ডাক্তাররাও। হয়তো একটু টাইম লাগবে, কিন্তু আমি 100 কোটি টাকা দিয়েছি, এর জন্য স্যাংশন করেছি আমরা। সিসিটিভি লাগাও সব জায়গায়, এবং যে জায়গাগুলো কভার করবে সেখানে আলো দাও। এছাড়াও যেখানে রেস্টরুম নেই সেখানে রেস্টরুমও করে দাও। তাছাড়াও আমরা একটা নারী সুরক্ষা, যেটা রাত্রিরের রাত্রি সাথী করেছি, যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে মহিলারা যত কম সম্ভব 12 ঘন্টা ডিউটি করবে, যদি এমার্জেন্সি থাকে তার ডিউটি ডাক্তার বাড়াবে। আইনে পাশ হলে এটা একটা ইতিহাস, রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাশ হবে, এবং এটা আইনে পাশ হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে, এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। আর প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি বলে আমরা করেছি। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি, আর অপোজিশন লিডার গুলি চালাবার কথা বলেছেন তাকেও পদত্যাগের দাবি করছি। कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि क्या दीदी शेख शाहजहां को फांसी दिलवाएंगी? दीदी ये कानून आखिर पहले क्यों नहीं लेकर आई? ममता दीदी में संवेदना नहीं है, मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ, तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो विभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई, पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजी कर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेश खाली में कितनी बहनों ने शिकायत की, उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सामने आई। दीदी जवाब दे, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी इस कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। कभी वाम और राम की बात करने वाली दीदी ये कानून लेकर तो आई हैं, क्या ये सिर्फ परसेप्शन नैरेटिव के लिए है और क्या ये मैसेज डॉक्टर्स का गुस्सा, आम जनता का गुस्सा शांत कर पाएगा?